Hey there guys, welcome back to the new video. Pokemon एक ऐसा longest running anime series रहा है जिसमें हजार episodes से भी ज़्यादा है और इसमें कोई surprise की बात नहीं कि occasionally कोई कोई Pokemon episodes काफ़ी ज़्यादा weird हो जाते हैं। Pokemon anime जिसके पास literally हजार episodes से भी ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा कहना सही रहेगा कि इसके पास quality भी है with content। और इसमें काफ़ी सारे episodes हैं जो कि एक दूसरे से better हैं, कुछ ऐसे episode भी हैं जो कि unimportant हैं और कुछ बहुत ज़्यादा weird है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसी कुछ पोकेमॉन एपिसोड्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो यार वही सब होता है ड्रामा, सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें पोकेमॉन वीडियो देखना पसंद है तो ही। हाँ तो यार चलो बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, व्हेन म्याउथ बिकम अ गॉड। यार एपिसोड तुम्हें याद ही होगा म्याउथ रूल्स करके, ये काफी ज्यादा रेयर तुम कह सकते हो एपिसोड क्योंकि काफी कम लोगों ने ही देखा है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ना ही एश कैचम और ना ही उसके किसी दोस्त का मेजर रोल रहा है। इंस्टेड म्याउथ को एज अ मेन कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया और टीम रॉकेट को भाई आइलैंड से बार बार धो धो के निकाला गया जस्ट बिकॉज वहां पे म्याउथ की पावर जो की थी भाई पेड़े, उसको ऐसा वर्शिप किया जाता था कि वो एक प्रॉस्पेरिटी रहता है यानी कि लोगों को अमीर बना सकता है। तो जी हाँ, जैसे अपने रियल वर्ल्ड के अंदर इन हिंदुइज्म तुम्हें याद होगा कि लक्ष्मी माता होती है जिनको मतलब गॉडेस ऑफ वेल्थ कहते हैं, सिमिलरली इन पोकेमॉन वर्ल्ड म्याउथ को तुम्हें पता होगा यार उनको वर्शिप किया जाता था जस्ट बिकॉज वो उनको पैसा देते हैं। कल जाके ये पता चला है कि अगर मक के कारण पैसा मिल रहा है तो वो लोग को वक्त नहीं लगेगा म्याउथ को फेंक के मक को पूजने में, इंसान इतने ज़्यादा मतलबी होते हैं यार। ये वाला एपिसोड वियर्ड तो है बट थोड़ा बहुत हॉरर भी है। अगर तुम्हें एक एपिसोड याद होगा जिस गोल्ड डेज करके, जिसके अंदर यार तुम्हें स्ट्रेंज लिटिल गर्ल देखने मिलती है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, लाइक तुम कह नहीं सकते वो एक्चुअली में क्या बला थी, बट यार वो चाहती थी कि एश और एनजी, उसके अंदर एक करेक्टर था उस एपिसोड के अंदर, वो चाहती थी कि वो दोनों इनके साथ खेले और इसलिए उसने भाई एक स्पिरिट वर्ल्ड को क्रिएट कर दिया गया था। जैसे तुमने काफ़ी सारे डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर सुना होगा, पाताल होता है उसको अलग अलग तरीके से कहा जाता है, भूतों की दुनिया होती है, सिमिलरली उस लड़की ने ऐसा स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएट कर दिया गया था थैंकफुली डस्नोर के कारण, जिसको सब लोगों ने सोचा था कि वो एक बुरा बंदा है बट एक्चुअली में भाई वो तो देव मानुष निकला एंड बचा लिया भाई, वरना एश का उस दिन भाई भुर्जी फ्राई बनने वाला था पाताल में और कुछ नहीं होता। यार मैं तुम्हें एक सच बोलूँ कि पोकेमॉन एपिसोड कहता ही नहीं था, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक पैरानॉर्मल हॉरर मूवीज़ वाली फील दे रहा था। ये एपिसोड कम्प्लीटली डार्क और क्रीपी था कंपेयर करें जितने भी एपिसोड आज तक पोकेमॉन सीरीज में दिखाए गए हैं। नंबर 8, टोगेपी। क्यूट पोकेमॉन बट नहीं, ऑलवेज नहीं, एक एपिसोड के अंदर उसको ईवल की तरह पोर्ट्रे किया था। अपॉन वॉचिंग द एपिसोड, एक एपिसोड है व्हाट डिड आई जस्ट वॉच करके, जहाँ पे तुम्हें एक लिटरली टोगेपी देखने मिलती है जो कि पागल हो जाती है। टोगेपी उसके अंदर हिप्नोटाइज करती है पीकाचू को, म्याउथ को, क्रोगन को, एज वेल एज वो लिटरली शिप को हाईजैक कर लेती है। यार ये छोटी सी बात, एपिसोड काफी ज्यादा नोटेबल है और रेयर भी है क्योंकि यार एनिमे में काफी कमी बार ऐसा हुआ है कि एश अपना हाथ जोड़ पाए भाई टीम रॉकेट के साथ, दोनों साथ में काम कर पाए। वहां के अंदर वो लिटरली भाई आउटर स्पेस में चली जाती है, सबको लगता है कि टोगेपी ने नहीं किया होगा इसलिए टोगेपी चुपके से भाई साइकिक अटैक का यूज करके शिप को वापस धरती में उतार देती है। बट जब एपिसोड खत्म होने वाला होता है तब टोगेपी काफी ज्यादा इवल लाफ देती है जिसको देख के भाई फैंस की फट जाती है। नेक्स्ट पोकेमॉन एपिसोड है द एंशिएंट पजल ऑफ पोकेमोपोलिस। ये एपिसोड तो तुम्हें याद ही होगा जहाँ पे एश, ब्रॉक और ऐसे काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स होते हैं जो कि एक लॉस्ट एंशिएंट सिटी पे रिसर्च कर रहे होते हैं। वो डिस्कवर करते हैं दो एंशिएंट पोकेबॉल्स को जिसके अंदर जाइंट वर्जन होता है अल्काज़ाम और गेंगार का। इसी के अंदर ये दोनों जब बैटल में एंगेज हो जाते हैं तब जाइंट जिगलीपफ आती है बेल से सीरियसली एक घंटे से और वो जाइंट मॉन्स्टर्स को वापस से सुला देती है। ये प्लॉट कम्प्लीटली अजीब लगा था क्योंकि ऐसा प्लॉट कभी भी वो लोग एनिमे के अंदर नहीं करते हैं, बट ऐसा लग रहा था कि यह एपिसोड को जनरली क्रिएट किया गया था ताकि बाद में चल के इस पर कोई मूवी बना पाए। जैसे तुम्हें याद होगा गैरिक से एक बार म्यूटू को लड़वा दिया गया था तभी उस पर म्यूटू स्ट्राइक बैक बना पाया था। वैसे काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल था कि शायद से इसके ऊपर एक स्पेशल मूवी क्रिएट होने वाली थी पोकेमोपोलिस के ऊपर, बट उन्होंने कभी किया नहीं। द नेक्स्ट एपिसोड द केव ऑफ मिरर्स। यार ये एपिसोड के अंदर एश, सरीना, क्लेमोंट अपने रिफ्लेक्शन केव से मिलते हैं यानी कि रिफ्लेक्शन रूप से मिलता है। तो देखो यार जैसे तुम्हें पता होगा कि हमारा रिफ्लेक्शन हमारा उल्टा होता है, सिमिलरली यहाँ पे ये लोग अपने अपने अपोजिट साइड से मिलते हैं। एश का जो पिकाचू होता है वो
मिरर केव के उस साइड कूद जाता है, तो नेचुरली भाई एश केचम उसको बचाने के लिए भी उस साइड चला जाता है। अब यार पैरेलल यूनिवर्स के अंदर एश केचम अपने अल्टरनेट वर्जन से मिलता है और अपने दोस्तों से, जो कि एग्जैक्ट अपोजिट है अपने ट्रू सेल्फ से। तो यार तुम्हें मैं बता दूँ, वो अपने लिटरली अल्टरनेट वर्जन से भी मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टिमिड नेचर का है, यानी कि थोड़ा डरता रहता है, शर्मीला है। और यार मिरर वर्ल्ड के जो टीम रॉकेट है ना, वो एक्चुअली में अच्छे हैं, और बोला जाता है कि वो खुद को हीरो ऑफ जस्टिस बुलाते। यार ये एपिसोड देखने से ऐसा लगता है कि इस पर कोई मूवी क्रिएट की जा सकती थी, लाइक ट्वाइलाइट टाइप्स, एंड कसम से बहुत अच्छी होती। नेक्स्ट पोकेमॉन एपिसोड जहाँ पे एश केचम लिटरली पिकाचू के अंदर कन्वर्ट हो गया था, तुम्हें याद होगा जब ये पहली बार एक चुड़ैलनी से मिला था लिली करके, तो यार वो और उसके दोस्त काफ़ी सारे मिसिंग इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ रहे थे ताकि वो पोकेमॉन माइंड रीडिंग स्पेल बना पाए। इन होकस पोकेमॉन एक एपिसोड था, माइंड रीडिंग स्पेल से यहाँ पे मेरा मतलब है जिसके कारण पोकेमॉन ह्यूमन को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, बट चुड़ैल का भाई दाव उल्टा पड़ जाता है और एश केचम पोकेमॉन को समझने के बजाय खुद ही पोकेमॉन बन जाता है। बेसिकली उनका प्लान उनके हिसाब से चलता नहीं है और एक नया पोकेमॉन का जन्म हो जाता है। एशाचू कह लो, एश पिकाचू कह लो, एशाचू कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। इन द नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 4, द टावर ऑफ टेरर, एश और उसके पोकेमॉन टीम जो होती है वो एक पोकेमॉन टावर की तरफ बढ़ती है एक खोसे पोकेमॉन की तलाश में, जहाँ वो एक मिस्टीरियस ट्रियो ऑफ गैसली, हॉन्टर एंड गेंगार से मिलती है। आफ्टर एन एक्सीडेंट हॉन्टर लिटरली भाई एश केचम और पिकाचू की आत्मा उनके शरीर से निकाल लेता है, और एश केचम गेस वॉट एक काफ़ी अच्छा भूत बन के आता है। वो क्या करता है, जाके जो बंदा भाई मिस्टी को परेशान करने लग गया, मैं एग्जैक्टली तो मैं बोलूंगा नहीं, तो यार मिस्टी को वो उठाता है, नीचे फेंक देता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। आइलैंड ऑफ जाइंट के अंदर एश और उसके दोस्त मिलते हैं काफ़ी सारे ऐसे पोकेमॉन से, और एक आइलैंड से जो कि पोकेमॉन से नहीं इनहैबिटेड है, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं आर्टिफिशियल पोकेमॉन नाम से, जहाँ पे तुम्हें काफ़ी बड़े बड़े पोकेमॉन्स देखने मिलते हैं। ये एक लिटरली एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पे तुम्हें बल्बसौर और म्याउथ लिटरली गांजा फूंकते हुए दिखते हैं, जहाँ पे भाई दोनों नशे कर रहे होते हैं, तुम्हें टेबल के अंदर तुम लोग देख सकते हो। ओके, ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट एश के पोकेमॉन भी उसके तरह भाई नशेड़ी है, लाइक सामने इतने बड़े बड़े पोकेमॉन तुम पे अटैक कर सकते हो और वहाँ पे बैठ के तुम पी रहे हो भाई, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? ऐसे टोल्ड यू कि मैं जब भी डार्क एक्सट्री की बात करूंगा या फिर कभी भी क्रीपी थिंग्स की बात करूंगा, मैं सबरीना की ऑलवेज बात करूंगा, क्योंकि मेरी आज भी उससे फटती है। आबरा और साइकिक शोडाउन तो तुम्हें याद ही होगा, द डार्केस्ट पोकेमॉन एपिसोड एवर, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। मैं आज तक वो एपिसोड कभी पूरा नहीं देख पाया हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एपिसोड था यार। उसके अंदर लिटरली वो सबरीना अपने माँ बाप को भाई पुतला बना के उसके साथ खेल रही होती है अजीब अजीब तरीके से, भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एपिसोड था। इवन काफ़ी एक स्ट्रेंज वे था प्रूव करने के लिए कि साइकिक टाइप पोकेमॉन कितने ज़्यादा डरावने हो सकते हैं कि वो किसी को भी पागल बना दे। द मोस्ट इनफेमस बैंड पोकेमॉन एपिसोड, पॉरीगॉन, यार तुम्हें कैसे याद थी? 38th एपिसोड ऑफ एनिमे, जहाँ पे गलती पिकाचू की थी और बेचारा ये बलि का बकरा फंस गया। इसको देख के मुझे अपनी किस्मत याद आ जाती है, जहाँ पे कांड मेरा दोस्त करता और फंसता मैं हूँ वैसे तो। बट यार इस एपिसोड के अंदर में याद होगा जहाँ पे पिकाचू लिटरली इलेक्ट्रिक अटैक परफॉर्म करता है, एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, और फंसता कौन है, ये बेचारा पॉरीगॉन, जो कि वहाँ पे बस एपिसोड के अंदर अपनी एंट्री दिया था। इसी कारण ये एपिसोड के साथ साथ ये पोकेमॉन भी बैन हो चुका है एनिमे से। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यही कुछ 10 ऐसे वियर्ड एपिसोड थे पोकेमॉन के, जिसको देखते वक्त मेरा सर हिल चुका था, क्योंकि या तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और डेंजरस थे, या तो वो कुछ ज़्यादा ही फालतू थे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें पसंद आया होगा तो लाइक करना, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।